इसके बाद में अपने कुछ क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, हु वाज सेंट टू इंग्लैंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मारवाड़ इन 1887 टू अटेंड गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। एटीन एटी सेवन कहाँ का प्रतिनिधि पूछा है? मारवाड़ का। सबको पता है कौन थे? सर प्रताप सिंह। इसने सर नहीं लगाया, सीधा प्रताप सिंह लिखा हुआ है, तो ये सर प्रताप सिंह गए थे। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, इनको इंग्लिश नहीं आती थी, गिफ्ट भी नहीं लेके गए थे, जानते नहीं थे, तो ये सिस्टम है। तो हु वाज सेंट टू इंग्लैंड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मारवाड़ इन 1887। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मारवाड़ बन के कौन गया था? प्रताप सिंह गए थे। यही इसका सही है। विजय सिंह, जसवंत सिंह, कल्याण सिंह लिखा हुआ है, ये तो आसपास ही नहीं फटक रहे थे, ठीक है। सेकंड वन ये है कि आपको लिखा हुआ था इसके अंदर, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था क्या क्या? सीधी सीधी बात है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, घटनाएं बता देता हूं मैं, इनका क्रोनोलॉजी पूछा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल था। सेकंड वन क्या था? सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, थी। और एक पूछा था लखनऊ पैक्ट। इनके बारे में ये पूछा था, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाना है। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि लिखना है कि किस तरीके से कालक्रम इनका क्या रहा, पहले कौन सी चीज हुई, बाद में कौन सी हुई। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जब बात करते हैं, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में ये जो बिखरी, बिखरने के बाद ही तो समझौता होगा ना, बिखरेगी नहीं तो फिर समझौता कैसे होगा। तो बिखराव के बाद में जिसमें समझौता रहा तुरंत बाद में, उसको आपने सही करना था। और सबसे पहले ये तो हुआ ही था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इसके बाद के ये जो है नंबर वाइज पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुई थी, और बाद में हुआ था लखनऊ पैक्ट। ये जो है आपका सही था। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इजी था, मैच द कॉलम में था। पहले थे नाना साहेब, दूसरी बात की थी बहादुर शाह जफर की, तीसरा ऑप्शन दिया था लक्ष्मीबाई, फोर्थ ऑप्शन दिया था तात्या टोपे। ये आपको चार नाम दिए थे, इनके साथ में आपको मिलान जो करना था वो था किल्ड इन बैटल। किल्ड इन बैटल था, डिपोर्टेड टू रंगून था, ये था। थर्ड वन था कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, एंड नेक्स्ट वन वॉज फ्लेड टू नेपाल। जिसको एक लक्ष्मीबाई का भी पता था उसका ये सही था, क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके से दिए गए थे कि आपको अगर ये पता था कि लक्ष्मीबाई भी, जिसको ये पता था ना, लक्ष्मीबाई किल्ड इन बैटल, लड़ते हुए मारी गई थी युद्ध के अंदर, पकड़ के नहीं मारा था, और या बहादुर शाह जफर डिपोर्टेड टू रंगून, यहाँ से आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। बहादुर शाह जफर का जब आता है डिपोर्टेड टू रंगून, और लक्ष्मीबाई जो है नंबर थ्री वॉज किल्ड इन बैटल। तीन का एक और दो का दो जहां पे मिलता है आपको, थ्री का वन और ए का ये क्या नाम है सी, ये सी था,
ये आपका बी था। तो सी का जहां पर आपको वन मिल जाए, सी वन और बी टू, वही ऑप्शन आपका करेक्ट था। तो इसमें ऐसी तो कोई चीज ही नहीं थी कि किसी को आए नहीं, है कि नहीं। नेक्स्ट वन, राजस्थान सेवा संघ वाज ट्रांसफर्ड टू अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान सेवा संघ का, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़े इजी इजी क्वेश्चन आए। राजस्थान सेवा संघ ट्रांसफर्ड टू अजमेर 1919 में बना था और 20 में अजमेर आ गया था, ये था करेक्ट ऑप्शन। 1920 था, 1919 में इसका फॉर्मेशन था और 1920 में ये अजमेर आ गया, ठीक है। रूलर ऑफ अलवर निमुचना इंसिडेंट टूक प्लेस, रूलर पूछा था, ये पूछा गया था कि जब निमुचना इंसिडेंट होता है उस समय हु वाज द रूलर ऑफ अलवर। निमुचना इंसिडेंट के समय अलवर का रूलर पूछता है, ये रूलर कौन था, रूलर वाज जय सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वाज सेवंथ सेशन ऑफ अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, कौन सा पूछते हैं, सेवंथ एडिशन पूछा है इसने, कौन सा एडिशन पूछा है, सेवंथ सेशन, कौन सा सेवंथ, सेवंथ सेशन पूछता है किसका, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, इसका पूछता है। और प्रेसिडेंसी भी बताता है, वो किसकी बताई है, वो कहता है प्रेसिडेंसी ऑफ जेएल नेहरू, कि ये नेहरू की अध्यक्षता में कहां पर हुआ था, इसका सीधा सीधा आंसर है उदयपुर, कहां दिक्कत है, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा रखे थे। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करता है ये अपने शेखावटी किसान आंदोलन की, सीधा लिखता है शेखावटी किसान आंदोलन, कोई फार्मर प्रोटेस्ट नहीं लिखा, इंग्लिश मीडियम वालों देख लो, बार बार कहता हूं ना मैं, वर्ड वैसे के वैसे ही रखने चाहिए, पर तुम बदलवा देते हो मेरे से जबरदस्ती, नहीं सर ऐसे नहीं, इसने कोई शेखावटी फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं लिखा, कोई फार्मर रिवोल्यूशन नहीं लिखा, इसने सीधा लिख दिया शेखावटी किसान आंदोलन। और इसमें लिखा है इसने 10,000 जाट वुमेन, जब भी 10,000 जाट महिलाओं की बात आई, एक नाम दिमाग में रखना, किशोरी देवी। 10,000 जाट महिलाओं का कहीं भी आंदोलन आता है तो चाहे उसमें शेखावटी लिखा हो या ना लिखा हो, ये थी किशोरी देवी, ठीक है। एट्थ, मेवाड़ की पुकार, एट्थ इसने बात की है मेवाड़ की पुकार, इसका नेतृत्व पूछा है कि मेवाड़ की पुकार जो है वो 21 डिमांड थी उसके अंदर, और ये किसने, इसमें से कौन संबंधित है, तो ये मेवाड़ के महाराणा को दिया था, पढ़ा है ना, मेवाड़ के महाराणा को दिया था, और किसके नेतृत्व में वहां पर गए थे लेकर के, वो नेतृत्व पूछा है इसने, तो वो थे मोतीलाल तेजावत, इसका करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 9, मौलवी लियाकत अली का पूछता है 1857, पूछता है ये मौलवी लियाकत अली 1857 वाले मौलवी साहब कहाँ से थे, इलाहाबाद हो सकता है और अलाहाबाद भी लिखा हुआ हो सकता है, जो भी लिखा हुआ है वो करेक्ट है इलाहाबाद, ठीक है। ये है 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग का पूछता है, हिंदी में पूरा लिखा हुआ है आत्माराम पांडुरंग, और इंग्लिश वालों के लिए उसने भी थोड़ा सा लेवल चक दिया, AR पांडुरंग लिखा है। आरजी भंडारकर और AR पांडुरंग किसके थे, ये पूछा है उसने।
तो ये होम रूल लीग दिया है, आत्मीय सभा होम रूल लीग यानी विसेंट का था, रामकृष्ण मिशन वो दयानंद सरस्वती वालों का था, तो प्रार्थना सभा आरजी भंडारकर और ए आर पांडुरंग जो है इसका है प्रार्थना सभा, इसका करेक्ट आंसर है प्रार्थना सभा। ऑप्शन ऊपर नीचे है सबके अंदर, किसी में ए कुछ दे रखा है, किसी में बी कुछ दे रखा है सेट वाइज, लेकिन आंसर यही निकलेगा इसका प्रार्थना सभा। नेक्स्ट है किस रियासत और कौन से शासक ने ब्लू पोटरी को संरक्षण दिया, ब्लू पोटरी के बारे में बात की गई है। विच प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान हैज गिवन प्रोटेक्शन टू ब्लू पोटरी, प्रोटेक्शन की बात की है किसको, ब्लू पोटरी को। ब्लू पोटरी के प्रोटेक्शन की जब बात आती है तो नाम आता है जयपुर का, और जब शासक की बात हो तो शासक कौन है, राम सिंह सेकंड। यह आपको पेयर मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, जयपुर राम सिंह सेकंड यही सही है। उसमें दो ऑप्शन जयपुर के दे रखे हैं, दो मेवाड़ के दे रखे हैं, तो ब्लू पोटरी वाले सोचते राम सिंह थे और ब्लू पोटरी से जुड़े हुए। अगर आर्टिस्ट की बात होती है तो वो कौन होता है, वो है कृपाल सिंह शेखावत, याद रखना। ब्लू पोटरी के आर्टिस्ट की अगर बात करता है तो कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है। पृथ्वीराज पूछता है, सीधा ही लिखा है उसने 12 खंभों की छतरी, यही लिखा है, कोई पिलर विलर कुछ नहीं लिखा, सीधा का सीधा है 12 खंभों की छतरी कौन से फोर्ट में है किसकी। पृथ्वीराज नाम लिखा है उसने, वो है अपने उड़ना राजकुमार, फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, तो ध्यान रखना, याद होगा सबको, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुंभलगढ़ फोर्ट, फोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं तो याद होना चाहिए कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर, आंसर यही है। ऑप्शन चाहे तीसरा है या चौथा, अपने अपने सेट में देख लेना। 12 खंभों की छतरी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की है और कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर है। ये आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथोड़ी ट्राइब, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कथोड़ी ट्राइब, कथोड़ी ट्राइब जो है इनका प्रोफेशन है कत्था का, क्या प्रोफेशन है, कत्था का, और कत्था का उत्पादन कहाँ होता है, कत्था का उत्पादन कहाँ होता है, वेयर प्रोडक्शन ऑफ कत्था इज मैक्सिमम, उदयपुर, उदयपुर ऑप्शन है तो आंसर होगा उदयपुर। ये करंट में भी, करंट जीके में भी रहा था अभी के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज ए कन्वर्सेशन विद पीपल ऑफ कथोड़ी ट्राइब, करंट में भी रहा था ये द्रौपदी मुर्मू के कन्वर्सेशन से रिलेटेड कथोड़ी ट्राइब कथा, ठीक है। करंट के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है इस बार पेपर के अंदर, आगे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखना। रामनारायण एंड सुल्तान खान की बात की है, 14th क्वेश्चन में पूछता है रामनारायण एंड सुल्तान खान, और इनका इंस्ट्रूमेंट पूछा है रामनारायण और सुल्तान खान का कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछता है, तो वाद्य यंत्र लोक कलाकारों के अंदर से भी क्वेश्चन आ गया है, फोक आर्टिस्ट्स के अंदर से कौन है, इनका इंस्ट्रूमेंट क्या है, इनका इंस्ट्रूमेंट है सारंगी, सारंगी इनका इंस्ट्रूमेंट रहा है। नेक्स्ट वन पूछता है ऑब्जर्वेटरी, हाँ इसमें वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी दिया है वेदशाला की जगह, वेद्यशाला की जगह ऑब्जर्वेटरी दिया है, ठीक है ना। जय सिंह सेकंड की ऑब्जर्वेटरी पूछ रहा है, वेद्यशाला पूछ रहा है कहां पर नहीं बनवाई है, इसने ये पूछा है
डिड नॉट बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी के बारे में पूछा है, डिड नॉट बिल्ट, ये पूछता है कहां पर नहीं बनवाई है, डिड नॉट बिल्ट एन ऑब्जर्वेटरी, तो आपको पता है कहां कहां पे बनवाई है, जयपुर में बनवाई है, दिल्ली में बनवाई है, मथुरा में बनवाई है और उज्जैन में, यही तो ऑब्जर्वेटरी है जयसिंह सेकंड की। इसके अंदर एक ऑप्शन और दे रखा है आगरा, वो करेक्ट ऑप्शन है आपका, क्योंकि डिड नॉट बिल्ट पूछा है तो आगरा ही इसका आंसर है, जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन में इसने बनवा रखी है, दैट्स ऑल। रूपायन संस्थान से संबंधित भी क्वेश्चन आया है, देखो कैसे सीधे सीधे क्वेश्चन डाल रखे हैं, कोई फैक्ट है ना कोई स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है, सीधा पूछ रहा है रूपायन संस्थान कहाँ पर है, वेयर इज द रूपायन संस्थान लोकेटेड, ये पूछा है सीधा सीधा। और रूपायन संस्थान कहाँ पर है, बोरुंदा, ये तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, बोरुंदा। ऑप्शन में आप देख लेना, आप वाले में ए है कि बी है, आपके अपने अपने सेट के हिसाब से आंसर इसका बोरुंदा रहेगा। 17 हिस्टोरिकल प्लेस जबालीपुर, जबालीपुर हम पढ़ चुके बहुत बार पढ़ चुके, जबालीपुर, जबालीपुर एंशियंट नेम किसका है, जालोर का, जालोर करेक्ट आंसर है जबालीपुर वाले का, जालोर। क्वेश्चन नंबर 18 है लोकल डाइटी, और इनका जो है मैथ्स पूछा था कौन सा एक्यूरेट नहीं है, तेजाजी पर्वत सर करेक्ट है एकदम, सेकंड वन पूछा था देवनारायण जी आसींद, ये भी करेक्ट है, देवनारायण जी पूछा था आसींद, भीलवाड़ा भी लिखा था उसने ब्रैकेट में, ये भी करेक्ट है। एक इसका था बाबूजी कोलू फलोदी, कोलू मंड भी कई बुक्स में लिखा हुआ है, बाबूजी जो है कहाँ पे है, कोलू, और ब्रैकेट में फलोदी भी दिया हुआ था। अगला दिया था तल्लीनाथ जी कतरिया सर, अपना जो आंसर है वो ये है तल्लीनाथ जी, इसने ये पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कतरिया सर जो है वो जसनाथ जी का है ना कि तल्लीनाथ जी का। 19th में पूछता है गोडा गोडवाड़ी डायलेक्ट, बोली की बात करता है, वो कहता है गोडवाड़ी डायलेक्ट, क्या कहा है उसने, गोडवाड़ी डायलेक्ट कहा है, तो गोडवाड़ा क्षेत्र कौन सा था, जालोर, तो ये भी जालोर, जालोर से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे हैं, देख लो एक और भी पूछा है उसने जालोर से रिलेटेड ज्योग्राफी के अंदर, तो गोडवाड़ी डायलेक्ट जो है वो कौन सा, जालोर, जालोर को इम्पोर्टेंट शायद पेपर बनाने वाला जालोर का रहा होगा, जालोर का काफ़ी जिक्र किया इसमें, है ना। इसके बाद में आ जाता है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात की है, 20th है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो राम सिंह का भी ये बंदा फैन है, राम सिंह पे इसने दो तीन क्वेश्चन दाग दिए, कौन थे, राम सिंह सेकंड, ठीक है राम सिंह सेकंड रहे हैं, इसका जो है फाउंडर पूछा था इसने वो कौन है, वुमेन आर पोर्ट्रेड एज हंटर्स, अगला क्वेश्चन वो कहता है कि महिला शिकारी कौन सी जो कला शैली है उसमें वुमेन आर पोर्ट्रेड एज हंटर्स, महिला को शिकारी कहां पे बताया है, कहां की महिला शिकारी हुआ करती थी, कोटा की, ये है आपका इसका आंसर जो है वुमेन आर पोर्ट्रेड एज हंटर्स, जो इसके अंदर ये कहा गया है कोटा, कोटा जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला ये पूछता है पद्म विभूषण की बात करता है, पद्म विभूषण की बात करता है, कब की करता है, 1956 में करता है, और किसके लिए करता है, भूदान और कूपदान, कहता है इसके लिए भूदान और कूपदान के लिए 1956 में किसको मिला था, तो 1956 में भूदान और कूपदान मिला था जमुना देवी बजाज को, पद्म विभूषण मिला था भूदान और कूपदान के लिए, ठीक है ये
भूदान और कूपदान प्रोग्राम की बात करता है, पद्म विभूषण पूछता है 1956 का, तो रह गई कौन, जमुना देवी बजाज। जमुना देवी बजाज इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 रंगमहल पूछता है बूंदी वाला, 23 पूछता है रंगमहल कौन सा बूंदी वाला, तो किसने बनवाया था ये पूछता है, तो राव छत्रसाल इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या है, राव छत्रसाल। ठीक है, 24 में फिर ये कहता है कि इनकॉम्पेटिबल पेयर बताइए, लिटरेचर और ऑथर लिखता है, ये लिटरेचर लिखा है इसने राज प्रकाश, इसका मेरे को भी नहीं पता, पर जो एग्जैक्ट जो पूछा था ना इसने, जो आंसर है वो मेरे ध्यान में था, किशोरदास, बाबू प्रकाश, मोडजी आसिया, नेक्स्ट था अमरसार पंडित जीवधर, अमरसार है पंडित जीवधर, नेक्स्ट वन है राजवल्लभ कुंभा, इसमें इसने इनकॉम्पेटिबल पेयर कहा है, वो छांटिए जो असंगत है। अब इसके अंदर देखिए गलत कौन सा है, ये तो मेरे भी ध्यान में नहीं था, राज प्रकाश किशोर दास मेरे अभी आया, बाबू प्रकाश मोडजी आशिया सही है, अमर सार पंडित जीवधर, पर ये जो है वो एक्यूरेट मेरे अभी भी मेरे ध्यान में है, राजवल्लभ जो है वो मंडन महा, इसका जो कुंभा का एक शिल्पी हुआ करता था, एक आर्किटेक्ट था मंडन, उसने लिखा था, तो ये वाला जो है ये आपका आंसर है, ये इनकॉम्पेटिबल पेयर है राजवल्लभ और कुंभा। 25th कहता है जानकीलाल भांड पूछता है, कहता है टू विच फॉर्म ऑफ प्ले जानकीलाल भांड इज रिलेटेड, जानकीलाल भांड, जब भांड शब्द आ जाता है ना तो ध्यान रखना भांड जो है वो स्वांग से जुड़े हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वांग। क्या है करेक्ट आंसर, स्वांग, भांड जो है वो स्वांग से जुड़े हुए हैं, स्वांग करते हैं जो गांव में बेरूपी वगैरह आते हैं आप देखते हो, तो 25th जो है वो स्वांग से जुड़े हुए हैं। मोरबंधिया बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत इजी से ने सोचा उसने कर दिया, मोरबंधिया का पूछा है, मोरबंधिया इसने शहरियाओं के लिए पूछा है, पर मोरबंधिया तो सब में ही होता है, शादी में जो मोड़ बांधते हैं वही है मोरबंधिया, तो मोरबंधिया जो है वो किससे रिलेटेड है ये पूछा है इसने, जो स्पेशल शहरियाओं के लिए पूछा था, पर अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोरबंधिया जो है वो मैरिज से रिलेटेड है, मोरबंधिया शादी से रिलेटेड है। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को ही अभी क्लियर करेंगे, इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे। नेक्स्ट है वेयर इज द ट्रेडिशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फेमस नार डांस, नार डांस पूछता है टाइम ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, ये पूछता है नार डांस, नार डांस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, शाहजहां का भी इसने नाम जोड़ा है इसके साथ में कि शाहजहां से रिलेटेड है, कहां पर ये बना नार डांस, तो बता दूं आपको नार डांस जो है वो उसका आंसर होगा मांडल। 28th क्वेश्चन ये पूछता है हु एस्टेब्लिश्ड चामुंडा माता टेम्पल मेहरानगढ़, चामुंडा माता टेम्पल मेहरानगढ़ वाला पूछता है, सबको पता है बच्चे भी जानते हैं, चामुंडा माता टेम्पल मेहरानगढ़ सबको पता होना चाहिए, राव जोधा ने बनवाया था। बेसिक से क्वेश्चन है, महकमा खास किसने बनवाया ये क्वेश्चन है, कौन कहाँ पे
मेवाड़ के शासक थे, महकमा खास वाले थे कौन? शंभू सिंह। याद रखना महाराणा शंभू सिंह जो है उन्होंने महकमा खास की स्थापना की थी। दोबारा गलती मत करना सज्जन सिंह वालों, ठीक है ना। पहले दो पेपर में सज्जन सिंह आया था तो तीसरे में भी सज्जन सिंह ही ठोक के आए थे। 30th है शिवरात्रि कैटल फेयर, शिवरात्रि पशु मेला पूछा है ना कि शिवरात्रि मेला झालावाड़ झालरापाटन लिखा है ना शिवरात्रि के चक्र में। यहां पे शिवरात्रि जो कैटल फेयर है वो कहां का है? करौली का। शिवरात्रि कैटल फेयर करौली। 31st विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी। इसमें जो गुड़ला है वो सही आंसर है, श्रावण शुक्ल तृतीया लिखा हुआ है इसमें। गुड़ला आपका आंसर गुड़ला होना चाहिए था, मतलब सही नहीं मतलब गलत ऑप्शन गुड़ला था। 32 जो है वो कहता है भारतीय प्राचीन लिपि माला, इसकी मैंने बात की थी एंशियंट लिपिमल, ये जो बुक है इसकी हम बात कर चुके हैं दो तीन बार कर चुके हैं एंशियंट लिपिमाला। अपने ओझा जी जो हैं गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा वो ही ओझा। गौरी शंकर हीरा चंद्र उझा। क्वेश्चन नंबर 33 है कौन सा जो है इसने ये पूछा है टू विच सेक्ट सहजोबाई बिलोंग। सहजोबाई का क्वेश्चन आया है, सहजोबाई का सेक्ट पूछा है, सहजोबाई कौन से संप्रदाय से थी कौन से सेक्ट से थी, तो लिखते हैं चरणदासी। आंसर है इसका चरणदासी। ऑप्शन देख लेना आपकी जो है पेपर का जो सेट आपको मिला है उसमें कौन से नंबर पे रहा है। 34 में है अर्बुद देश, किसको कहते हैं अर्बुद देश? अर्बुद देश था सिरोही। अर्बुद देश कहाँ है? सिरोही। नेक्स्ट है शिवी, शिवी हम पढ़ चुके चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, वही इसने भी लिखा है। और इसने इनकॉम्पेटिबल पेयर पूछा है फिर कि कौन सा असंगत है वो बताना है, तो ये तो संगत ही लग रहे हैं। सपादलक्ष अजमेर और नागौर, सपादलक्ष के चौहान पढ़ रखे हैं। सपादलक्ष इसने कहा है अजमेर और नागौर। नेक्स्ट ये कहता है वागड़, वागड़ और इसने शेखावटी ठोक दिया, सीकर और झुंझुनू बता दिया वागड़ में। तो सीकर और झुंझुनू जो है वो वागड़ के अंदर नहीं है, ये शेखावटी प्रदेश है। तो ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 35th कहता है श्रीलाल जोशी, क्या पूछा है? श्रीलाल जोशी की आर्ट पूछी है किस कला से रिलेटेड है, किस फोक आर्ट से रिलेटेड है। तो इसका श्रीलाल जोशी नाम जब याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा फड़ पेंटिंग। क्या याद आ जाएगा? फड़ पेंटिंग, ठीक है। श्रीलाल जोशी जो है वो फड़ पेंटिंग से रिलेटेड रहे हैं। ये आपका सीईटी का जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इंग्लिश और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के मैंने करवा दिए, ये इतने भी अपने सब्जेक्ट हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी देखो आप नहीं को नहीं थन के बताऊँ, ठीक है। हाँ ऐसे फालतू में मक्खी सी मारनी है तो फिर मरवा लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इतना काफ़ी है बोर करने के लिए, आपको पढ़ लेना अच्छे से। और एक हिस्ट्री के बारे में भी आज बता दिया है, इंग्लिश में आज आपको सीईटी वाला पेपर मैंने करवाया, ठीक है। तो ये जो है आप अच्छे से देख लेना,
लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो कर देना, ना करो तो भाई थारी मर्जी, के कर सकता हूँ, लपकेंगे थप्पड़ तो मारी जगह नहीं है कि नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।